Subscribe and click on the bell icon to be the first to see the latest video. I think it's a bad time. मैं बाद में आ जाता हूँ। नहीं नहीं, ये वो वाले आंसू नहीं है। खुशी के आंसू हैं? नहीं, वो भी नहीं है, ये प्याज वाले आंसू हैं। ओ, ये मैं समझ सकता हूँ। मैं आपका पड़ोसी। या ऑफ कोर्स आई नो। प्लीज प्लीज कम इनसाइड। थैंक्स। एक मिनट। डोंट वरी, आई एम सेफ। मैं 3 महीने से घर पर ही हूँ। या आई नो, बट स्टिल दिस इज द एसओपी दैट आई फॉलो। SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हाँ, पता था मुझे। हाँ, मुझे पता। या थैंक यू। नहीं नहीं, हैंड सैनिटाइज करके आया हूँ मैं। SOP यार, ये सही है तुम्हारा SOP? हाँ बोलो। कुकर है? था यार, लेकिन सोसाइटी वालों ने मना कर दिया है ना, इसलिए आजकल मैं ही कुकर बना हुआ। मैं वो सिटी वाले की बात कर रहा हूँ। पता है क्यों चाहिए था? तुम्हारे पास नहीं है? खराब हो गया। अब अगर तुम यूज नहीं कर रहे हो तो मैं ले सकता हूँ? अभी फिलहाल तो यूज नहीं कर रहा हूँ, लाता। एक मिनट, मीडियम साइज का चाहिए, मतलब ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। मीडियम? अच्छा, इसमें भी चॉइस। भाई एक ही है मेरे पास, देख लो। ये परफेक्ट साइज है। पक्का? थैंक यू, मैं शाम तक लौटा दूंगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आराम से। थैंक यू भाई। सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू अगेन। वो रियलाइज नहीं किया मैंने कि मेरे पास टमाटर नहीं है। तुम्हारे पास टमाटर है? कितने? 2-3। 5? 4। भाई कुकर ले लिया, टमाटर ले लिया, लेकिन नाम तो बताया ही नहीं। माय नेम इज वसीम। अभिमन्यु। और मैं जब भी सब्जी लेने जाऊंगा ना, मैं आके लौटा दूंगा। तो यार वो ना प्याज और आलू भी लेना, 2-2 किलो। ले आऊंगा। आई एम जस्ट किडिंग यार, कीप इट। थैंक यू। भाई एक लास्ट मदद कर दीजिए। अब क्या चाहिए? हरा धनिया फ्रेश। देखता हूँ। इस फ्रेश बना क्या रहे हो तुम? बिरयानी। धनी के बिना नहीं बनती? नहीं, बन तो सकती है, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड मुझे गाइड कर रही है और उसने कहा कि बिना धनिए के वो बात नहीं आएगी। कौन सी बात? होगी कोई बात, मुझे तो पता नहीं, उसे पता है। ओके। अच्छा भाई और कुछ चाहिए? चावल, प्याज, आलू, प्लेट, चम्मच, कांटा? नहीं नहीं नहीं, नहीं भाई, एक बार मिले जा। नहीं नहीं, दिस इज द लास्ट। सॉरी, इसके बाद डिस्टर्ब नहीं करूंगा। I'm sorry भाई, I know थोड़ा ज़्यादा हो गया। बहुत मजबूरी है भाई, आज संडे, सारी दुकानें बंद है, तो बाहर मैं जा नहीं सकता। बगल वाले नेबर के पास भी जाने वाला था, लेकिन लास्ट टाइम ना मैंने उनका एक कांच का बर्तन लिया था, वो टूट गया मुझसे। अब क्या चाहिए? दही। बिना रायते के ना बिरयानी में मज़ा नहीं आया। सो कॉम्बिनेशन कमाल का होता। सॉरी यार, दही तो नहीं है मेरे पास। उसका मतलब अकेली बिरयानी खानी पड़ेगी बिना रायता? मैं भी यही सोच रहा था, रायता अकेले ही खाना पड़ेगा बिना बिरयानी के। मतलब अब मैंने तुम्हारी बिरयानी में इतना इन्वेस्ट किया है, डोंट यू थिंक कि थोड़ा डिविडेंड मेरा भी बनता है? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। तो मतलब यू ईट नॉनवेज? मैंने नॉनवेज बिरयानी बनाई है। आई एम अ सर्वाइवर, आई ईट एवरीथिंग। तो मैं लेके आता हूँ ना तुम दोनों के लिए? अभी दोनों के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए। एक्चुअली मीरा पुणे गई हुई है अपने पेरेंट्स के पास, उनको बहुत डिफिकल्टी हो रही थी विदाउट हेल्प। तो मैं पूरी ले आता हूँ फिर। अरे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या खाएगी? शी डजंट स्टे हियर, वो तो बैंगलोर में। अरे ये तो कमाल हो गया यार, नेकी और पूछ, तुम ले आओ सारी बिरयानी, फिर फैलाते रहता। एक मिनट फॉर सना, माय SOP। सो हाउ इज वर्क? आई नो यू आर एन एक्टर, आई सीन योर वर्क, इट्स रियली नाइस। शूटिंग शुरू हुई? नहीं भाई, अभी तो शूटिंग शुरू नहीं हुई है, अभी तो घर से ही वो सेल्फ टेस्ट वगैरह करके भेज देता हूँ, ऑडिशंस वगैरह, एक दो ऐड किए थे बीच में। तुम क्या करते हो? यार मेरा और मीरा का एक स्टार्टअप है, वेयर इन वी गिव रिलेशनशिप एडवाइस, इट्स ग्रेजुअली पिकिंग अप। वाओ, रिलेशनशिप एडवाइस। कभी कोई एडवाइस चाहिए हो ना, बेझिझक मांग लेना। तुम्हारी बिरयानी का कर्ज भी तो अदा करना है। सो हाउ लॉन्ग यू गाइस हैव बीन टुगेदर? बीन टुगेदर फॉर 2 इयर्स।
और पिछले एक साल से सना बैंगलोर में. सो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. लॉन्ग डिस्टेंस मस्ट बी टफ. नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब वी आर वेरी सॉर्टेड, वेरी कूल. दैट्स ग्रेट. आई हर्ड भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काफी टफ होती है यार. यार आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि तुम लोग एक साल से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसे मेंटेन कर रहे हो. हमारी तो एक महीने में हालत खराब हो गई. इट्स वेरी डिफिकल्ट. बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं यार. रियली क्या प्रॉब्लम्स हो रही? फॉर एग्जाम्पल आज सुबह उसका फोन आया तो मैं सो रहा था. जब मैंने उसे फोन किया तो वो नहा रही थी. फिर उसने मुझे फोन किया तो मैं खाना बना रहा था. फिर मैंने उसको फोन किया तो वो खाना खा रही थी. अरे पूरा पूरा दिन निकल जाता, हमारी बात ही नहीं हो पाती. भाई यू आर मेकिंग अ रूकी मिस्टेक. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू शेड्यूल अ कॉल. जैसे यू शेड्यूल अ वर्क कॉल. एक टाइम सेट कर लो. बस एक बार टाइम सेट हो गया उसके बाद कोई बहाना नहीं चलना. फिर बात करने का मन हो या बात करने का मन नहीं हो, बात तो करनी ही पड़ेगी. शेड्यूल अ कॉल. दैट्स अ गुड आइडिया. वी शुड ट्राई दिस. मीरा ने कहा था कि लंच के बाद फोन करेगी मुझे. अभी तक फोन ही नहीं आया. आई एम श्योर किसी काम में बिजी हो गई होगी. हाँ तो मैं क्या कह रहा था भाई कि कुछ की फैक्टर्स होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट. ऑब्वियसली यार. नॉट जस्ट लॉन्ग डिस्टेंस, हर रिलेशनशिप में ट्रस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ना ट्रस्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. वो क्या है ना, इतनी सारी इनसिक्योरिटीज होती हैं, जेलसी, डाउट, शक, इन सब चीजों से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कनेक्टेड ऑल द टाइम. और अपडेट्स भी देने होते हैं. हर दो घंटे में अपडेट देने होते हैं कि किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो. यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग भाई? राइट. वरना क्या होता है ना कि रिलेशनशिप में स्पेस आ जाता है. और टू मच ऑफ स्पेस इज नॉट गुड फॉर अ रिलेशनशिप. इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल. या दैट्स राइट. मतलब लोग क्रिप करते रहते हैं कि स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है. बट टू मच स्पेस इज ऑल्सो अनहेल्दी. आई एग्री. ये सब क्या बकवास है? व्हाट डिड आई से समथिंग रॉन्ग? नॉट यू भाई. सना ये समझती नहीं है. एक छोटी सी बात को सीधी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बट शी इज नॉट अंडरस्टैंड. शी इज जस्ट नॉट गेटिंग इट. बट यू सेड यू गाइस आर सॉर्टेड, यू आर कूल. अरे क्या कूल भाई, कुछ कूल नहीं है. ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ना कभी कूल नहीं रह सकता. आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मैं ट्राई नहीं करता. अरे यूट्यूब पे जितने वीडियोस हैं ना मैंने सब देख लिए हैं. कुछ फायदा नहीं है. सब लोग ले दे के वही चार पांच टॉपिक्स पे बात करते हैं. ट्रस्ट. अरे कहां से ट्रस्ट आएगा? हर हफ्ते पार्टी करने जाओगे तो इनसिक्योरिटी नहीं होगी, जेलसी नहीं होगी. अरे आई एम अ नॉर्मल मैन यार. लेकिन नहीं, आई एम सपोज टू ट्रस्ट. और कहते हैं स्पेस होनी चाहिए, लेकिन है कहां? अरे जब वो यहां थी तब ज्यादा स्पेस थी, लेकिन अब जब से वो बैंगलोर में है तब से सारी स्पेस ही खत्म हो गई. दो घंटे में होता क्या है? बताओ मुझे क्या होता है दो घंटे में? कुछ चेंज हो जाता है? अरे कुछ चेंज नहीं होता दो घंटे में. अभी ये देखो सुबह से एक ही मसला फंसा हुआ है. सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा. तो ये मसला तुम व्हाट्सएप पे सुलझा रहे हो? यस. कमाल है यार, रिलेशनशिप्स वैसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं. ऊपर से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप 10 times ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. और टेक्स्टिंग उसको 1000 times ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है यार. तुम कुछ कह रहे हो वो कुछ और समझ रही है, वो कुछ बोल रही है तुम उसका कुछ अलग मतलब निकाल रहे हो. तुम अपने इमोशन से लिख रहे हो, वो अपने मूड में पढ़ रही है. इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. द बेस्ट वे टू रिजॉल्व अ फाइट इज टू टॉक इट आउट. फोन उठाओ, बात करो उससे. लेकिन शेड्यूल टाइम तो 7:30 बजे का. अरे पहाड़ में क्या शेड्यूल यार, इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सॉर्ट करना. एग्जैक्टली. वो वहां पर परेशान हो रही होगी, तुम यहां पर परेशान हो रहे हो. फोन उठाओ, बात करो उससे. और मैं गारंटी देकर कह रहा हूँ वो इस वक्त तुम्हारा फोन एक्सपेक्ट कर रही होगी. जो भी तुम लिख कर भेज रहे हो ना उसको, अपनी मुंह जबानी बोलो. एटलीस्ट करेक्ट इमोशन तो पहुंचेगा उस तक. You're right. मैं कैन आई यूज योर बेडरूम? आई जस्ट. यस श्योर, प्लीज. थैंक्स. क्या बात है अभिमन्यु भाई, क्या कमाल की सलाह दी है यार. मसला सॉर्ट हो गया, बिल्कुल सही बिजनेस खोला है. देखा, हाथों हाथ बिरयानी का कर्ज अदा कर दिया ना. अब ये बताओ कल क्या बना रहे हो? जो बोल यार, मेरा ना बटर चिकन खाने का मन कर रहा है. मैं ऐसे YouTube पे देख लूँगा कैसे बनाते हैं, बस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, कल का प्लान डन. मैं दाल फ्राई बनाता हूँ, तुम बटर चिकन बनाओ. बिल्कुल. अभी कॉफ़ी पे ब्लैक कॉफी. और ना उसके बाद सेल्फी भेजेंगे कॉफ़ी के साथ, मैं मीरा को, तुम सना को. अरे डन, क्या बात है. हाय गाइस. सो दिस इज वसीम. इसका असली नाम भी वसीम है और कैरेक्टर नेम भी वसीम है. कैसा लगा हमारे साथ काम करके? बहुत मजा आया. आई हैड अ ब्लास्ट. देखा, हम लोग अपनी तारीफ खुद ही करवा लेते हैं. आई होप यू गाइस लाइक टुडेज एपिसोड. सो इफ यू लाइक इट देन शेयर एंड सब्सक्राइब टू शेडी आइडियाज ट्रेंडिंग. एंड अगर आप लोगों को जरा भी डाउट हो रहा है कि हमने ये एपिसोड कैसे शूट किया, तो डोंट वरी, वी हैव टेकन ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस.
So we are safe and I hope you guys are safe and healthy too. Stay safe guys. And comments में please बताइएगा if ये boy zone वाले और episodes आप देखना चाहेंगे तो. Do let us know. हाँ, please. अच्छे अच्छे comments देना यार. और subscribe करो. खूब like and subscribe shitty ideas friend. Bye. I miss you Meera. I love you. I miss you. मैं आपका पड़ोसी. आपका नहीं, तुम्हारा पड़ोसी. रायते के बिना बिरयानी अधूरी क्यों होती है? नो भाई, इतना चलेगा ना? पैसा पैसा करती है तू, पैसे पीके मरती है. पूजा ने कितने पर कितने कन्विक्शन के साथ किया उसने यार. पूजा से तुमने कैसे करवाया वो? बस हो गया भाई.